दिगंबर जैन सामाजिक संसद युवा प्रकोष्ठ इंदौर द्वारा आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में अंतिम आयोजन के अंतर्गत जंजीरवाला चौराहा स्थित शेल्बी हॉस्पिटल में सबसे वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राहुल सीठी और कोषाध्यक्ष पिंकेश टोंगिया ने बताया कि सामाजिक संसद के अध्यक्ष नरेंद्र वैद के निर्देशन में शिविर रखा गया। ये शिविर शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर और दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर द्वारा आयोजित किया गया था। निःशुल्क परामर्श स्वास्थ्य शिविरों में अनेक जटिल बीमारियों का उपचार हुआ। इसमें खासकर से जोड़ प्रत्यारोपण, हड्डी रोग, हृदय रोग, शिशु हड्डी व रीढ़ की हड्डी रोग, किडनी रोग, न्यूरोसर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क परामर्श देने के साथ उपचार किया गया। इसी तरह अनेक बीमारियों की निःशुल्क जाँच भी कराई गयी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी सहित अन्य जांच शामिल हैं। यह शिविर अस्पताल परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो कि दोपहर 1 बजे तक निरंतर चला। समाज की ओर से अध्यक्ष नरेंद्र वेद और नकुल पाटोदी के साथ कैलाश वेद, अनिल जैन को, आनंद कासलीवाल, प्रदीप बड़जातिया, नीरज जैन, राजकुमार काला, मनोज अनामिका बाकलीवाल, रुचि गोधा, मीनल पाटनी द्वारा सभी डॉक्टर्स का मालवी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही शेल्बी अस्पताल प्रबंधन को प्रतीक चिन्ह दिए गए। कार्यक्रम का संचालन युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राहुल सेठी ने किया और आभार मार्गदर्शक नकुल पाटोदी ने माना। इस स्वास्थ्य शिविर में अस्पताल के सभी चिकित्सकों द्वारा शुरुआत में सेमिनार के माध्यम से बीमारी कैसी होती है और कैसे बचा जा सकता है विषय पर व्याख्यान दिया गया। प्रमुख रूप से शिविर में डॉक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर विनीत नाजा, डॉक्टर निमेश दाहिमा, डॉक्टर राहुल शुक्ला, डॉक्टर नरेश डामेश और गौरव जैन ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर निमेश सर के बाद में डॉक्टर राहुल। सामाजिक संसद इंदौर द्वारा आज सेल्वी अस्पताल में सभी जटिल बीमारियों का इलाज का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें न्यूरो सर्जन, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हार्ट रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ, सभी जितनी जटिल बीमारियां होती जिससे आज मानव जनजीवन पीड़ित है, उनकी बीमारियों का उपचार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों का उपचार हमने आज यहाँ पर निःशुल्क करवाया है। और हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकार के शिविर जैन समाज के लिए नहीं, जन जन के लिए लगाए जाएंगे और हमेशा लगाए जाएंगे। अभी अगले महीने हम मोतियाबिंद ऑपरेशन का एक शिविर लगा रहे हैं, जो कि निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने जाएंगे। पहले उद्बोधन में ही जैसे ही ये बात बोली कि 24 तीर्थंकर के बाद 25वें तीर्थंकर के रूप में हमें इन डॉक्टरों को देखना चाहिए कि जो भी मरीज आता है उनका तुरंत इलाज करके उन्हें अधिक से अधिक सेवाएँ देकर कैसे उसे ठीक करते हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी बात है और मरीज को अधिकतम को अपनी संपूर्ण सेवा देकर स्वस्थ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में 25वें तीर्थंकर के रूप में ही देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि आज डॉक्टरों ने जिस हिसाब से बताया कि मरीज होने के पहले हम किस प्रकार से प्रिकॉशन रखें ताकि हम मरीज ना हों, कैसा खान पान रखें, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्या खाएं, क्या पिएं, उस हिसाब से अगर जनता या जो भी जन समुदाय आया था, समाज के लोग आए थे, अगर इस बात पे ध्यान दें, भारी संख्या में जो पधारे थे वो इस बात पे अगर ध्यान देंगे तो उन्हें इन बीमारियों के लगने की भी खत्म होगी स्थिति और वे हमेशा आजीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। यह सब हम डॉक्टरों ने हम लोगों को बताया। जैन सामाजिक संसद अपने मूल उद्देश्यों की ओर मतलब प्राप्त कर रही है। समाज का कार्य यही है कि हमारा समाज का बंधु जो अंतिम पायदान पर है, किस प्रकार से उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिले। युवा प्रकोष्ठ द्वारा जो कार्यक्रम सतत किए जा रहे हैं, एक कार्यक्रम होता नहीं, दूसरा कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रम, चौथा कार्यक्रम, जो कि समाज हित में किए जा रहे हैं, निश्चित यही समाज है। वर्तमान समाज में हमें देखने में आ रहा है कि हम सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन के माध्यम से इतनी सी कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये समाज का बस यही आयोजन है, लेकिन मूल रूप से मानव सेवा, समाज की सेवा और प्राणी सेवा ही मूल रूप से समाज का मुख्य कर्तव्य है। आदरणीय नरेंद्र जी वेद के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिगंबर जैन सामाजिक संसद और जिनके पूर्व अध्यक्ष सलाहकार में कैलाश जी वेद और जितने पदाधिकारी है, सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब, सुरेंद्र जैन बाकलीवाल साहब, डीके
जैन साहब, नकुल पाटोदी जी और जितने भी तमाम पदाधिकारी इस कार्य में युवा प्रकोष्ठ को सहयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राहुल सेठी और उनकी पूरी टीम, अनामिका बाकलीवाल जो कि महिला प्रकोष्ठ की टीम है, निश्चित एक से एक विगत डेढ़ साल के अंदर जो शिविर किए हैं, जो आयोजन किए हैं, इसके समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज जिस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में, मैंने तो समाज के अच्छे सारे हमने शिविर अटेंड किए, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर समाज के व्यक्ति उपस्थित थे, अपने स्वास्थ्य को जागरूकता को लेकर के, वह बहुत ही एक नींव का पत्थर समाज के लिए साबित होगा।